डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? ही इज स्टिल क्रिटिकल। डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला, पता नहीं वो कैसे मेरी कार के सामने आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ, वरना हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते थे। आप घबराइए मत, जैसे ही उसे होश आएगा हम उनसे पूछकर उनके घर पर फोन कर देंगे। That's so nice of you, doctor. तो क्या मैं जा सकता हूँ? No, no, you have to wait for some time. पुलिस को आपको एक स्टेटमेंट तो देनी ही पड़ेगी। It's just a formality. फिर भी एक्सीडेंट केस है तो। Yeah, I understand. Excuse me, doctor. Hello. कहाँ हो? चलना नहीं है तुम्हारे फ्रेंड की पार्टी पर? हाँ, नहर का जाना तो है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मेरी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। नथिंग टू वरी, बट थोड़ा वक्त लगेगा। फिर तो बहुत लेट हो जाएंगे अंतरिक्ष। नहर का तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? तुम सीधा यहाँ आ जाओ, ये खेतान हॉस्पिटल, हम सीधा यहीं से पार्टी पर जाएंगे। ठीक है, आती हूँ। ओह गॉड, एक तो वैसे भी इसके साथ किसी पार्टी में जाने का मन नहीं करता, ऊपर से आप जनाब को सोशल सर्विस सूझिए, किसी जख्मी आदमी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अंतरिक्ष चले? हाँ नहर का, चलते हैं। बस एक बार मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो अब कैसा है। देन विल गो। ओके अंतरिक्ष, ये सब क्या है? आई मीन यू हार्डली नो दैट गाय, फिर भी तुमने उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, तो मैं नहीं लगता ये काफ़ी है। नहर का, उसे काफ़ी चोट लगी है, अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर जाऊँगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके, वील वेट। मैं तो तब से यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि पता नहीं उसकी फैमिली का क्या हाल होगा, वो लोग कितने परेशान होंगे। अगर हमें उसकी फैमिली के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में कुछ पता होता तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते थे, एंड देन आई कुड हैव बीन स्लाइटली रिलीव्ड। रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर, हाउ इज ही नाउ? नॉट सो गुड नाउ, चोट काफ़ी गहरी है और खून भी बहुत बह चुका है। डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ पता चला कि आखिर वो है कौन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला उसके पास जिससे कि उसकी पहचान हो सके, सिवाय एक रुमाल के जिसके ऊपर एन लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। निहारिका, तुम यहाँ पर हो? मैं बाहर। अंतरिक्ष, ये पच तो जाएगा ना? निहारिका, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, बहुत गहरी चोट लगी है ना इसे, इसलिए पूछ रही थी। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल। माय गॉड, 24 आवर्स? निहारिका, तुम भी कमाल करती हो। अभी बाहर मुझ पर इस बात पे नाराज हो रही थी कि तुम एक अनजान आदमी को लेकर इतने परेशान क्यों हो, और अब अपनी हालत देखो, इतनी परेशान लग रही हो जैसे कि तुम इसे बरसों से जानती हो। क्या तुम वाकई इसे जानती हो? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे हॉस्पिटल लिया। निहारिका, क्या अब हम चलें? अंतरिक्ष, हम इसे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
हम यहाँ बैठकर भी क्या कर लेंगे निहारिका? जो करना है वो तो डॉक्टर्स को करना है ना। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। आज से इस मंगलसूत्र को तुम अंतरिक्ष का नहीं बल्कि मेरे प्यार का तुया हुआ तोहफा समझना। याद रखना कि यह मंगलसूत्र तुम्हें अंतरिक्ष नहीं, राहुल ने पहनाया, राहुल ने पहनाया, राहुल ने पहनाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एसी बहुत तेज है। एसी बंद क्यों कर दिया? थोड़ा कम कर देती। इट्स ओके। Thank you.
प्लीज डोंट वरी मैम, ही विल बी ऑल राइट। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? कल मॉर्निंग में छोटी सर्जरी करनी है, जिसके लिए किसी फैमिली मेंबर के साइन की जरूरत पड़ेगी। घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स अ फॉर्मेलिटी। पर मैं देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, पर आप घबराइए नहीं, आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप यहाँ पर एक साइन कर दीजिए, यहाँ पर। आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निहारिका, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया? नहीं, वो मैं बस थोड़ा डर गया था। गुड नाइट। गुड नाइट। या आई बी देयर। अच्छा, बाकी की बातें मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर करते हैं। ओके, बाय। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं आज शाम को पुणे जा रहा हूँ, फैक्ट्री में कुछ काम है। अरे तो निहारिका को साथ में ले जाओ ना, उसको भी अच्छा लगेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। निहारिका, तुम एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, पूना वाली फैक्ट्री का ज्यादातर काम तो ध्रुव ही संभालते हैं ना? हाँ, अभी तक तो वो ही देखता था। तो मम्मी जी, मैं सोच रही थी, अगर आपको ठीक लगे तो, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वेदिका और ध्रुव को पूना भेज दें। जब से वेदिका ठीक हुई है, तब से दोनों कहीं बाहर गए भी नहीं है ना। आई हैव अ बेटर आइडिया। तुम चारों क्यों नहीं चले जाते पूना? क्यों ध्रुव? जी मम्मी जी, हम चारों तो नहीं जा सकते। क्यों? अभी अभी तो हम दोनों की शादियां हुई हैं, और दोनों बहुएं इकट्ठे एक साथ कहीं बाहर चली जाएं? नहीं नहीं, मुझ में और वेदिका में से एक तो हमेशा आपके पास रहेगी। हाउ स्वीट एंड हाउ कंसिडरेट। तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है निहारिका, यू आर अमेजिंग। ध्रुव, वेदिका, तुम दोनों चले जाओ पूना, ठीक है? वेदिका, आई एम सॉरी, तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ बाहर आना पड़ा। एक्चुअली वो माँ और निहारिका भाभी के कहने पर ही मैं तुम्हें। इट्स ओके, मैंने कोई शिकायत तो नहीं की ना? और वैसे भी तुम्हारे साथ आज यहाँ आके कम से कम मुझे नाटक तो नहीं करना होगा ना? आज मैं बहुत खुश हूँ निहारिका की बातों से। उसके लिए माँ के दिल में प्यार और भी बढ़ गया है। यही तो मैं चाहती हूँ कि निहारिका उस घर में उन सबके दिलों में एक खास जगह बना ले। देखो, तुम्हारे हाथों में कितनी सच रही है। सच तो रही है, लेकिन सूरज, इतनी सारी चूड़ियां आजकल पहनता कौन है? तुम पहनोगी। जब जब मैं तुम्हें प्यार से पहनाऊंगा, तुम पहनोगी ना? वेदिका, इन चूड़ियों की खनक से ना मैं तुम्हारे दिल की हर आवाज सुन लूंगा। दिल की आवाज सुनोगे चूड़ियों की खनक से? कैसे? ये देखो कितनी खूबसूरत आवाज है।
जब तुम्हें मुझ पे प्यार आए ना तो तुम ऐसे छन छन करो, और जब मुझ पे गुस्सा आए तो फिर ऐसे, जब मेरी याद आए तो फिर ऐसे, और जब तुम्हें आई लव यू कहने का मन करे तो फिर ऐसे। ठीक है सूरज, लेकिन तुम मुझे कैसे याद करोगे? मैं ऐसे। चलें। देखा तुम रूम में चलो, मैं फैक्ट्री जाकर आता हूँ। ओके। Excuse me? Yes? ये पियानो की धुन कौन बजा रहा है? बॉलरूम में कोई बजा रहा है।